अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। वेटेड एवरेज पीरियोडिक आपने किया होगा और इतना थोड़ा सा होमवर्क करके अजीब लगा होगा, तो फिर पूरा सवाल आपने दोबारा सॉल्व किया होगा। कल जो फाइफो मैंने परपेचुअल और पीरियोडिक से किया था, उसमें कोई अगर परेशानी है तो बताएं। अच्छा, एफ को परपेचुअल में कोई परेशानी नहीं। वेटेड एवरेज पीरियोडिक, इसमें यह होता है कि जो भी इस पूरे महीने के अंदर इन हुए, यानी जो हम खरीद के लाए, खरीद के उन सबको मिला के एक एवरेज कर लेते हैं। अप्रैल के महीने में पहले से कितने मौजूद थे? 200 थे 22 वाले। फिर इसके अलावा मजीद जो परचेज हुए 500 आए 25 वाले, लेकिन ये टेक्निकली 500 नहीं 480 ही रह गए, क्योंकि 20 तो वापस कर दिए थे तो 480 ही रहे, 20 वापस चले गए, और 100 और खरीदे 28 वाले। फिर इनसे एवरेज रेट निकलेगा, क्योंकि जितने स्टॉक में यूनिट पहले पड़े थे प्लस जितने और खरीद के लाए, और रिटर्न चूंकि वापस कर दिए तो नेट फिर जितने खरीद के लाए, इसके हिसाब से एवरेज रेट निकलेगा। तो एवरेज रेट निकल आएगा 200 हैं, 4400 के 480 हैं, 12000 के 100 हैं, 2800 के और 150 हैं 4500 के। तो सारे यूनिट्स पहले एक फार्मूला बना के दिया था ना मैंने, तो अब इंटेंशनली मैं स्ट्रगल में भी कर रहा हूं कि वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि जितने पहले थे प्लस जितने और खरीदे उन सब की टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय सबके टोटल यूनिट्स। 9302370 तो एवरेज रेट बन जाएगा 48 और क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 240 यूनिट्स इंटू 25.48 11। ये है जी पीरियोडिक वेटेड एवरेज। तो फाइफो और एफको, परपेचुअल और पीरियोडिक, इसमें कोई इख्तलाफ है? कोई है तो बताएं, क्योंकि मुझे उम्मीद है एक इख्तलाफ की, क्योंकि बाज़ोकात कुछ बच्चों ने ना इसमें एक चीज पढ़ी होती है, हर दफा ही मैं जब ये पढ़ाता हूं तो एक आधा सवाल आ ही जाता है उससे रिलेटेड जो अभी तक आपने किया नहीं, तो या तो आप जाग नहीं रहे या आपको मसला नहीं है। ये वेटेड एवरेज रेट निकालने में कोई सलाह नहीं, पक्की बात। अच्छा, किसी को ये नहीं लगता हो तो क्या शर्मा शर्मी ना पूछ रहा हो कि इसमें से परचेजेस को वो ड्राइंग्स को लेस करना चाहिए था? लगता होगा नहीं है, अब लग रहा है ड्राइंग्स को लेस करना चाहिए था नहीं? नहीं, किसी को नहीं लग रहा कि ड्राइंग्स को लेस करना चाहिए था? तकल्लुफ कर रहे हैं आप, नहीं लग रहा ड्राइंग्स को लेस करना है? क्यों भला? क्लोजिंग स्टॉक से निकलेंगी तो फिर वो जो आग खा गई थी यूनिट्स उसको भी लेस करना चाहिए। तो फिर तो सेल भी स्टॉक से चली गई, उनको भी लेस करना चाहिए था। अच्छा, ड्राइंग्स में से लेस करने का इसलिए कह रहा हूं लग रहा होगा क्योंकि ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है पीरियोडिक सिस्टम में? ड्राइंग्स डेबिट पीरियोडिक सिस्टम में, परचेजेस क्रेडिट। तो चूंकि परचेजेस क्रेडिट करना सीखा होता है तो इसलिए बाज़ोकात बच्चे इसमें कहते हैं कि ड्राइंग्स लेस होनी चाहिए, लेकिन आप में से कोई नहीं कह रहा। चलो ठीक है,
नहीं होनी चाहिए ड्राइंग क्लास, हमने सिर्फ एवरेज रेट उनके हिसाब से निकालना है जो हम खरीद के लाए, क्योंकि रेट तो उन्हीं पे लग रहा है ना, सप्लायर हमें पैसे चार्ज कर रहा है ना, ड्राइंग्स तो हम स्टोर से निकाल के दे रहे हैं, वो तो हमने इंटरनली फैसला करना है कि इसके ऊपर कौन सा रेट लगेगा, ये रेट कौन डिसाइड कर रहा है, जो हमारा सेलर है ये तो वो डिसाइड कर रहा है, ये है हमें जो कॉस्ट करती हैं चीजें जो हम लेकर आते हैं, इसलिए इनका एवरेज निकाल रहे हैं, क्योंकि हर बार वो डिफरेंट रेट चार्ज कर लेता है। तो ड्राइंग्स तो हम खरीद के थोड़ी ला रहे हैं, वो तो हम स्टोर से निकाल के ओनर को दे रहे हैं, स्टोर से निकाल के चोर को दे रहे हैं, स्टोर से निकाल के आग में फेंक रहे हैं, पानी में फेंक रहे हैं, स्टोर से निकाल के गिफ्ट दे रहे हैं, वो तो हम आउट कर रहे हैं। तो एवरेज रेट उन यूनिट को कंसिडर करके निकल रहा है जो हम खरीद के लाए थे और सप्लायर ने हर दफा डिफरेंट रेट चार्ज किए थे, उनको इस्तेमाल करके एवरेज रेट निकल रहा है। चले ठीक है जी, ट्रेडिंग बिजनेस बहुत है, और इसमें मैंने आपको अब रिटर्न्स वाला सवाल भी करवा दिया, तो फार्मूले को ना थोड़ा सा कंप्रिहेंसिव कर देता हूं। अभी तक ट्रेडिंग बिजनेस हेडिंग मैंने ट्रेडिंग की दी थी ना, तो दो चार क्लासेस पीछे देखे मैंने ट्रेडिंग की हेडिंग दी थी कि मैं ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा हूं अभी, डिस्कस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पढ़ाना शुरू किया था, तो अभी तक मैं ट्रेडिंग बिजनेस की प्रैक्टिस करा रहा था। नहीं, हाँ जी, ये जब मैंने पीरियोडिक परपेचुअल फाइफो एफ को बता दिए थे ना, तो सवाल से जस्ट पहले मैंने कहा था कि आप ये लिख लें कि मैं आपको ट्रेडिंग बिजनेस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, सवाल से जस्ट पहले कहा था मैंने, सवाल लिखवाने से जस्ट पहले लिखवाया था कि मैं ट्रेडिंग बिजनेस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो ट्रेडिंग बिजनेस के हवाले से जो अभी तक सिखाया है ना, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के हवाले से एक कंप्रिहेंसिव फार्मूला कह लें, अगर पीरियोडिक सिस्टम हो तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकाल रहे हैं, जो कि सवालों में किया भी, पीरियोडिक सिस्टम हो तो ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम प्लस कर रहे हैं परचेजेस, अच्छा ये समझ आती है बात, नेट क्या, नेट ऑफ रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, अच्छा जी, और ये जो आंसर निकाल रहा हूं मैं, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स नेट, ये क्या कह रहा हूं मैं, नेट ऑफ सेल रिटर्न्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ ऑल आउट्स, चाहे अंग्रेजी गलत हो है, लेकिन समझ आ रहा है क्या, जितने भी स्टोर से आउट हुए हैं अदर देन सेल्स, मिसाल के तौर पे ड्राइंग्स, गुड्स लॉस्ट, चैरिटी, तो स्टोर में पहले जितने यूनिट्स मौजूद थे उनकी कॉस्ट प्लस जितने और है नेट ऑफ परचेज रिटर्न माइनस जितने ड्राइंग्स हो गई माइनस जितने गुड्स आया हो गए माइनस जो जो भी स्टोर से आउट हुआ है सेल्स के अलावा माइनस जो बचे रह गए इज इक्वल टू जो बिक गई उनकी कॉस्ट। तो पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे निकाल सकते हैं। चाहे
फाइव हो चाहे वेटेड एवरेज, ठीक है, जॉब तक पढ़ा है ना, मैं उसका कंक्लूजन बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग बिजनेस में पीरियोडिक सिस्टम अगर अकाउंटिंग का फॉलो होता हो, चाहे फाइव ओ है चाहे एफ को है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे निकाल सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अरे वही जो कॉस्टिंग मेथड से किया था, फाइफो में से आखिरी में से बचे होंगे और वेटेड एवरेज में वो एवरेज रेट लग रहा होगा, तो वो तो सिखा ही रहा हूं उतने दिन से। ये मैंने कहा जरा एक कंप्रिहेंसिव फार्मूला बना देता हूं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे। और अगर परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालें, है कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमें यह करने की कोई मजबूरी नहीं होगी। यह करना मजबूरी पीरियोडिक में क्यों थी, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं रखा हुआ, पता ही नहीं कौन से बिके। लेकिन परपेचुअल में तो हमारे पास वो टेबुलर वर्किंग मौजूद है, उसमें सारी ट्रांजेक्शन अलग अलग नजर आ रही हैं। तो परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ कैसे निकालें, सेल्स और सेल रिटर्न, बस इन लाइन का टोटल। टेबल के अंदर जो हमारी सेल्स की ट्रांजेक्शन आ रही है वो, और जो सेल रिटर्न की आ रही है उनके आगे हम टोटल कॉस्ट तो लिख ही रहे हैं, उनका नेट टोटल करेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ सेल होगी। लिख लें अपने अल्फाज में, लिख लें कुछ ऐसे, लिख लें जो आपको समझ आए आप क्या लिख रहे हैं। उस टेबल के अंदर सेल्स की लाइंस और सेल रिटर्न्स की लाइन में जो टोटल अमाउंट लिख रहे हैं हम, उनका टोटल कर लेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ सेल है। वो जो टेबल बनाया हुआ है उस टेबल में सेल्स की लाइन और सेल रिटर्न्स की लाइन आ रही है ना, है ना, तो उनमें जो टोटल है उनका नेट टोटल कर ले तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो पिछले पेज पे कोई टेबल बनाया हुआ है उसमें देख लें। उस टेबल में जहां जहां सेल्स की लाइन है और सेल रिटर्न्स की लाइन है उनका नेट टोटल कर लें तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। और आइंदा कभी आप पढ़ने बैठे और अपने आप को याद दिलाने के लिए ये भी बात लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि परपेचुअल में हमें इस तरह करने की क्यों मजबूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेबुलर वर्किंग में सारा डिटेल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, वहां अंग्रेजी में लिखी नजर आ रही है कौन कौन सी सेल्स हुई है, इसलिए इसकी मजबूरी नहीं है। तो पीरियोडिक में और परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं, मैंने उसका आपको एक कंप्रिहेंसिव फार्मूला बता दिया। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालते हैं कैसे, वो तो पता चली गया। परपेचुअल में कैसे निकालेंगे, सबसे एंड पे जो बैलेंस बचा होगा। पीरियोडिक में कैसे निकालेंगे, वो फाइफो के हिसाब से और एफओ के हिसाब से। ट्रेडिंग बिजनेस बहुत है, अब इसी मेहनत को ना मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल पे लाता हूं। जी अच्छा, ये बात दोबारा सुन लें, नहीं बची अभी बच्चे इसको कुछ एक्सेप्ट कर पा रहे। आप ना सामने टेबल खोल लें, जो कल मैंने दोनों टेबल बनाए थे, चाहे फाइफो वाला खोल लें चाहे एफको वाला खोल लें। उस टेबल में हमें जो सेल्स इशू वाला सारा कॉलम नहीं कह रहा, इशू वाले सारे कॉलम में तो हमने ड्राइंग्स भी लिखी हुई है, आप जो अंग्रेजी शुरू में लिखी है ना सिर्फ उसको देखिए, उसमें जो सेल्स की ट्रांजेक्शन है जो के है एक 15 को, 5 को, 5 को और 15 को, ये दोनों सेल्स वाली लाइनें हैं और सेल रिटर्न की लाइन है 21 को। सिर्फ इन तीन लाइंस की बात कर रहा हूं, सिर्फ इन तीन लाइंस में जो आगे टोटल वाली अमाउंट है उनको नेट टोटल करना है। नेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेल्स वाली पॉजिटिव लिखी हुई है और सेल रिटर्न वाली नेगेटिव लिखी है, सिर्फ उनको। पूरा इशू कॉलम टोटल करने को नहीं कह रहा, उसमें तो ड्राइंग्स भी हैं, सिर्फ सेल और सेल रिटर्न्स की बात कर रहा हूं। और किसी बच्चे को अभी भी कोई कंफ्यूजन? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्वेंटरी में होती है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस भी होता है, लेकिन वो हम अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे। तो अभी तक मैं आपको ये सारी प्रैक्टिस करवा रहा था ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। एक रिकैप दोबारा दे रहा हूं समेटने के लिए, मैंने बात शुरू की थी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होती है वो चीजें जो हमारे पास किसी भी वक्त पड़ी हैं बेचने के लिए या
गुड्स बनाने के रास्ते में, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसकी इन्वेंट्री गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल की शक्ल में भी है, वर्क इन प्रोसेस की शक्ल में भी है, फिनिश गुड्स की शक्ल में भी है। फिर मैंने कहा था क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री वो है जो साल के एंड पे स्टोर में पड़ी हुई है। इन्वेंट्री तो पूरा साल में जब भी स्टोर में पड़ी है वो इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो साल के एंड पे पड़ी है। फिर अगली बात की थी कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की फिगर्स लिखनी होती हैं। वो फिगर्स क्या होती हैं? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है रूल के तहत? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट फिर डिटेल पढ़ानी शुरू की थी, इन्वेंट्री की कॉस्ट यानी पूरे साल में किसी भी टाइम पे जो इन्वेंट्री मौजूद है उसकी कॉस्ट निकालनी है तो उनको स्टोर में जहां बड़ी है वहां तक लाने के लिए जो खर्चा आया था या आएगा, आया था या आएगा, आया था, हिस्टोरिक चीज है कॉस्ट, वो कॉस्ट है। अब उसमें आगे मजीद टुकड़े किए थे कि या तो वो ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल है, तो उनको खरीदने पे खर्चा आया था, खरीद के लाने पे खर्चा आया था बस। और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स हैं तो उनको मटेरियल इस्तेमाल करके प्लस जो कन्वर्जन पे खर्चा आया था। फिर इसके बाद बात की थी कि क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकालें। प्रॉब्लम क्या थी? अगर एक जैसी चीजें हैं तो फिर साल के दौरान मुख्तलिफ चीजें खरीदते हुए पर यूनिट कॉस्ट मुख्तलिफ थी, तो जो साल के एंड पे रह गई हैं वो कौन सी हैं? उसके लिए फिर हल निकाले थे फाइफो और एफ को, और इंफॉर्मेशन कितनी डिटेल्ड अवेलेबल है कितनी डिटेल्ड अवेलेबल नहीं है इस पे बेस करते हुए था पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम। ये अभी तक हमने किया है। और फिर प्रैक्टिस कराते हुए मैंने सवालों में सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस की मिसाल दी थी और उसी को सामने रखते हुए ये बना के दिया। अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं और रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करता हूं। अब ये मेहनत ना यहां करा चुका आपको, फाइफो एफ को सब यहां मेहनत करा चुका, अब उसी मेहनत को मैं इस पे अप्लाई करके दे रहा हूं। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल इन्वेंटरी की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये निकाली जाती है बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसी तरह फाइफो एफ को, तो क्वेश्चन ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स का हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल का हो, सवाल करने में एक ही बात है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ऐसे ही निकालनी है जैसे अब तक निकाल रहे थे। क्या क्या डाटा ले रहे थे उसमें? परचेजेस ना, तो रॉ मटेरियल भी परचेज ही हो रहा होगा, तो इसलिए इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जो अब तक किया था। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल वही मेहनत है, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही है जो ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स में प्रैक्टिस किया है 2 दिनों में, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है। ये लिखा या अभी सोच रहे हैं? लिखें कॉस्ट ऑफ सेल्स, लिखें लिखा नहीं, अभी भी सोच रहे हैं कुछ बैठे, लिख लिया। ये मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको ये याद रहे कि जैसे उधर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे थे, यहां कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, यहां कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स खरीद के स्टोर में लाते हैं, वहां से आगे बेचते हैं ना, रॉ मटेरियल खरीद के स्टोर में ला रहे हैं, वहां से आगे प्रोडक्शन को इश्यू कर रहे हैं,
मशीनों में जा रहा है, तो वो कहलाता है मटेरियल कंजम्पशन। तो जैसे अभी कल परसों के सवालों में कॉस्ट ऑफ सेल्स बताया था, बिल्कुल वैसी ही चीज यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स की बजाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो इसका मतलब है कि जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट हो रहा होगा। बस सवाल में क्या फर्क पड़ेगा, सवाल के डेटा में क्या फर्क होगा कि वर्ड सेल्स की जगह इश्यू टू प्रोडक्शन आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल होगा, बिल्कुल ऐसी ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, बिल्कुल इसी तरह से गुड्स लॉस्ट भी हो सकते हैं, गुड्स लॉस्ट नहीं यूनिट्स लॉस्ट भी हो सकते हैं, सब कुछ वैसा ही होगा। सिर्फ और सिर्फ सेल्स के वर्ड की जगह इश्यू टू प्रोडक्शन का वर्ड आ रहा होगा। जैसे हमने ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी सीखी है ना, बिल्कुल वैसे ही है, बस सिर्फ फर्क यह है बस फर्क ये होगा कि अब सेल जहां मेंशन होती थी उसकी जगह इश्यू टू प्रोडक्शन मेंशन होगा, बस सिर्फ ये फर्क पड़ेगा। काम एक ही है, स्टोर्स में लेके आना, और उसके बाद मेन काम होता था सेल करना, अब मेन काम होगा प्रोडक्शन को इशू करना। तो इसलिए सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल वही है, मैंने लिखा हुआ इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग फाइफो एफको मेथड्स सेम एज वी स्टडीड फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सेप्ट हियर इश्यू ऑफ प्रोडक्शन इज मेंशन इन ट्रांजैक्शंस इंसटेड ऑफ सेल। जैसे सेल की ट्रांजेक्शन लिखी होती थी उसकी जगह बस इश्यू टू प्रोडक्शन होगा। तो इसके सवाल की जरूरत अभी नहीं है, हो गया। बाकी जब 5 चैप्टर के सवालों पे आऊंगा तो हाँ इसके भी आएंगे उसमें सवाल। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फिनिश गुड्स पे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ही, लेकिन फिनिश गुड्स इसलिए कह रहा हूं ताकि फिर बता दूं कि मैं फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूं, रॉ मटेरियल ना समझ लेना। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक ही कह रहा हूं।
नहीं जी, स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगा जो आपको ट्रेडिंग में सिखाया है। बिल्कुल वही 5O F को, सब वैसे ही है। बस सिर्फ फर्क ये होगा कि वहां पर स्टोर में इन क्या हो रहा होता था, स्टोर में गुड्स इन कहां से आ रही थी, कहां से ला रहे थे, परचेज करके, तो उन पे जो खर्चा था वो परचेज पे खर्चा था। अब गुड्स कहां से आ रही होंगी, अब मैन्युफैक्चर होके आ रही होंगी। तो फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो जो सलूक अभी तक 2 दिनों में जो पढ़ा, हम टोटल परचेजेस के साथ कर रहे थे, अब टोटल परचेजेस की जगह टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। बस जो परचेजेस थी ना, अब उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, बाकी सब वैसे ही है। ये यहां से पढ़कर रिपीट कर ले, वही लिख रहा हूं जो बोल रहा था। अच्छा, इसको ना प्यार से COGM भी लिख लेते होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या जी? हाँ, ये मेरी अपनी इन्वेंशन है। नहीं नहीं है, COGM बाकी भी समझ जाएंगे। बल्कि चलो टोटल के वर्ड की खैर है। ये जो मैंने बात लिखी है ना, इसमें शायर ये कहना चाह रहा है कि बिल्कुल सारी की सारी वही मेहनत है जो ट्रेडिंग बिजनेस के सवालों में करा रहा था। बस वहां पर हम जहां जहां जिस फार्मूले में जिस टेबल के अंदर परचेजेस लिखा करते थे, अब परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। जो सलूक परचेजेस के साथ हो रहा था वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ हो रहा होगा, बाकी सब मेहनत वही होगी। जी क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ सेल भी बिल्कुल वैसे ही है, बस सिर्फ वो जो परचेजेस है उसकी जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, बाकी सारी मेहनत वही है जो 2 दिन में की है। सब कुछ वैसे ही है ट्रेडिंग बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, यानी सिर्फ उस ट्रांजेक्शन की अंग्रेजी का फर्क है, वरना काम सारे के सारे बिल्कुल सेम करने। ये नोटेड। अच्छा चलिए, एक पीरियोडिक का सिंपल सा सवाल लिखें, एक सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ जून।
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ जून। ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, दो सौ चालीस यूनिट्स, 240 यूनिट्स जी, 240, 240 यूनिट्स। कॉस्टिंग कॉस्टिंग 7200 रुपीज, 7200 पर यूनिट का है मैंने नहीं, बस ये टोटल है उनकी। गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस एज फॉलोज, गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस एज फॉलोज। अच्छा अब ना मैं आपको बताऊंगा चीजें इस तरह से, बैच 1, 2, 3 होंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो बैच 1, 2, 3, पहले बैच में 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स और आगे इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखें 16500, 16500। दूसरा बैच 750 यूनिट्स, 750 यूनिट्स और उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है 26250, 26250। तीसरा बैच 300 यूनिट्स और उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है 11400, 11400। चलें बस ये मैन्युफैक्चर्ड यही थे। उसके बाद लिखें टोटल सेल्स, टोटल सेल्स फॉर द मंथ, टोटल सेल्स फॉर द मंथ। वन फोर टू जीरो, 1420 यूनिट्स, 1420 यूनिट्स आपसे रिक्वायर्ड है अभी। जी जी आपसे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक यूजिंग यूजिंग के बाद पार्ट ए फाइफो मेथड, पार्ट बी एफको मेथड। अच्छा परपेचुअल वाला पीरियोडिक तो बताया नहीं, बेशक मैंने शुरू में कह दिया था पीरियोडिक लेकिन सवाल में तो मैंने नहीं बताया। परपेचुअल इस पे लगा ही नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मैंने सेल्स आपको बस टोटल बता दी, बताया नहीं कब कौन सी सेल हुई है, तो परपेचुअल इस पे लगा ही नहीं सकते, तो पीरियोडिक ही हुआ। ये करिए सॉल्व, बिल्कुल कल जैसा है, कल परसों जैसा ही है, बस सिर्फ परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रही है, बाकी बिल्कुल सब वही है।
श्याम जरा ना रूम में चला फिरा भी करो, कुछ देखा भी करो कि कोई सवाल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे तो कुछ शक्लें फारिग नजर आ रही हैं। अब या तो वो सवाल करके फारिग हैं, वैसे ही फारिग हैं। अच्छा छोटा सा सवाल था यार, ये मैंने पर यूनिट रेट नहीं बताए थे, ओपनिंग स्टॉक कितने थे? 240। और इसकी टोटल कॉस्ट क्या थी? 72। अगर वैसी रेट जानना चाहें तो 30 30। और उसके अलावा जो अब चीजें बन के आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो पहला बैच था उसमें थे 500 यूनिट्स, टोटल 16 500 वाले 33। जो सेकंड बैच बना 750 26 250, और जो थर्ड बैच बना 300 11400। अब सवाल में इनके बारे में परचेजेस लिखा हो या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लिखा हो, डेटा तो वैसा ही है, ये डेटा है। और अगर फाइफो मेथड होगा तो क्लोजिंग स्टॉक इनमें से बचा होगा, और अगर वेटेड एवरेज होगा तो इन सब का एक एवरेज रेट निकलेगा। क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना हुआ है? 3। इन सब में से सेल्स माइनस कर लें, तो अगर फाइफो हो
तो 370 यूनिट्स बचे होंगे, 300 ये 70 इनमें से। तीन सौ हैं 38 वाले और 70 हैं 35 वाले। 2450 ये कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक आ गया फाइफो में। और अगर एफको करना है तो फिर इन सब का एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, 1790 6350, और इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेट निकल आएगा 3.27। तो अगर एफओ से करेंगे तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 370 यूनिट्स 34.27 वाले, 1 2 6 8 9, 1 2 6 8 0, ठीक है ना। इसमें बताएं जी क्या मसला, क्या परेशानी। ये घड़ी आगे है, ये घड़ी मेरे आगे है ना, हाँ तो ये कह रहा हूँ मेरे आगे, ये घड़ी आगे है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकलती होगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है जो भी कुछ देर पहले भी मैंने बताया था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब है कि इतने टोटल कॉस्ट का मटेरियल प्रोडक्शन में डल गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो ये कैसे निकाल रहे होंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, वही जो अभी रॉ मटेरियल की बात बता रहा था, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट और एफओएच। और एफओएच क्या होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड, कमाल हो गया, ये तो होते क्या है, फैक्ट्री के सारे खर्चे इनके अलावा। तो एफओएच जितने भी खर्चे सवाल में मौजूद हैं, मैं मिसाल में दो तीन चार लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट मटेरियल, पावर, ये मैं मिसालें लिख रहा हूं सिर्फ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती हैं ये तीन, इनके अलावा दो लाइनें और हैं जिसका जवाब अभी फिलहाल नहीं है, जब प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा ना तब मिलेगा इसका जवाब, फिलहाल बस रट्टा ही समझ लें। इसके बाद दो और लाइनें हैं, फिलहाल वो रट्टा है, प्रोसेस कॉस्टिंग में उसका जवाब समझ आएगा जाके। वो दो लाइनें ये हैं कि इसमें प्लस करना है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और इसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिर जो फाइनल इनका आंसर बनेगा, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एफओएच, इनमें दो लाइनें मैंने और लिखी हैं इनके बाद, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ये प्लस हो रहा है और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये माइनस हो रहा है। ये दो लाइनें क्यों आ रही हैं, इस क्यों का जवाब फिलहाल इस चैप्टर में रटा समझ लें, प्रोसेस कॉस्टिंग में समझ आएगा। इनके बाद जो एंड टोटल है इस पूरे कॉलम का वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एक सवाल तो मुझे पता है थोड़ा होगा, आपका जमीर भी मुतमईन नहीं होगा, तो दो सवाल कर दें होमवर्क। अच्छा, शुरू शुरू के लेक्चर में मैंने बताया था कि जो फिनिश गुड्स
स्टोर के खर्चे हैं, फिनिश गुड स्टोर के खर्चे, वो फैक्ट्री के खर्चों में शामिल नहीं होते हैं। पहले एक सवाल कर दीजिएगा, बल्कि पहले क्या, दोनों ही हैं, पहले जो मर्जी कर लें। एक आपने करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन सिक्स, और एक करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉरी इलस्ट्रेशन सिक्स और इलस्ट्रेशन सेवन। मेरी बुक में पेज सेवन और एट पे इलस्ट्रेशन सिक्स और इलस्ट्रेशन सेवन, ये दो करके आइएगा, करके आइएगा। और जरूरी नहीं कि सिर्फ इस फॉर्मेट पे फोकस करें, हो सकता है कि ये कैलकुलेशन करवाते हुए मैंने आपसे पहले कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी कैलकुलेट करवाया हो, फिर इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकाल ली, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्या पता पूछी हो। तो इसलिए जितना अब तक पढ़ाया है उस सब को रिवाइज करके दो सवाल करने हैं, जरूर करके आइएगा कल ना, फिर मैंने आपको एनआरवी पे लेके जाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।